मॉर्निंग भाइयों, आज हम लखनऊ में हैं और लखनऊ किसी होटल में। तो आज हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे और वहां का तुम्हें ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे वहां कैसी जगह है। कल हम गए थे अंबेडकर पार्क में, लेकिन वहां बारिश होने के कारण सही से शूट नहीं कर पाए, जिससे कि बार बार फ़ोन गीला हो रहा था और कैमरे में बार बार धुंधला दिखाई दे रहा था। तो आज हम चलते हैं कहीं और देखते हैं चल के कहाँ पर चलना चाहिए, कहाँ अच्छी जगह है घूमने के लिए। यहाँ वैसे तो हर एक जगह ही है यहाँ अच्छी घूमने के लिए, पर आज चलते हैं और देखते हैं कहीं अच्छी जगह चलते हैं। ठीक है, पहले तैयार हो लें। तैयार हो गए हैं, बस अब हमें बैग निकालना है अपना और चलना है। तो यार पहले दरवाज़ा खोलते तो मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ अभी बाहर चलते ही। ठीक है, तो चलो यार चलते हैं, मिलते हैं वहीं पर आपसे। ये है, ये सब जानवर है जो पानी में नहा रहे हैं। दोस्त है मेरे, दोस्त है तेरे। ये यहाँ भालू भी है और यहाँ ये गाड़ियाँ दे रखी हैं जिससे तुम घूम सकते हो, जानवरों को जल्दी देख सकते हो, कि उन्हें अच्छे से पता होता है कि यार जानवर कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं। हमें तो हमें कोई जानवर नहीं दिखाई दिया गया है, अभी दिखेगा तो आपको दिखाते हैं। तो पहले थोड़ा घूम लेते हैं, अच्छा है। बाकी पैसे ज़्यादा लेते हैं यहाँ, बाहर भी टिकट कटानी पड़ती है हमें और अंदर भी टोकन के लिए 50 रुपये लेते हैं, पता नहीं क्यों। यार ऐसा मत करो, बाहर दिल्ली के साइड तो सिर्फ एक बार अगर तुमने बाहर से टिकट ले ली तो अंदर में फिर कोई तुम्हारा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहता है। यहाँ जानवर कहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो ये बोर्ड पढ़ लेते हैं जो यहाँ पर है। अरे तो मैं डियर दिखाता हूँ, ये देखो डियर झुमका, ये सारे क्या कर रहे हैं, इतने सारे, बहुत सारे हैं। तो वो इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हे हे, तुम्हारा सेंटा क्लॉज कहाँ है? वो मार रहा है सेंटा क्लॉज का, ये काला वाला बहुत मार रहा है सबको। हॉग डियर है और ये, एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। वो डियर देखे जा रहा है। हाँ भाई, क्या हुआ? सिस्टम चिल्ला रहा है। सिस्टम उसके अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें भी डर गया? नहीं तुम्हें नहीं, तुम सिस्टम के बाहर भी रहो तो हम कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, हम कह भी नहीं सकते। वैसे इंसान तुम पे इतना जुल्म कर लेते हैं पिंजरे में बंद करके। मेरा बस चलता ना तो इन सबको तो मैं एक बार में बाहर निकाल। जिस तरीके से हम लोगों को आज़ादी है बाहर घूमने की, इनको भी है, पर लोग अपनी ज़रूरतें नहीं, इनको मतलब सजावट के लिए रखते हैं। यार ऐसा क्या होगा कभी कोई जानवर हमें अपनी सजावट के लिए रखे तो कैसा कहेंगे कि भगवान। ये देखो ये रहा वो, ठीक है। हेलो चिंपैंजी दिख गए वो। तुम बाहर क्यों नहीं निकल आते इससे? वो रहा। हाँ चिंपैंजी भी है, कहाँ है? एक बैठे बैठे पता नहीं क्या कर रहा है वो, पर अच्छा लग रहा है। ड्रग्स थोड़ी ले रहा है वो, ड्रग्स क्यों लेगा? एक तो इन्हें बेचारों को खाना तो मिलता ही होगा टाइम से, ड्रग्स क्यों लेंगे वो लोग? यार इससे बातें करनी है मुझे इससे। हेलो हेलो ट्रेन सालो सर प्रणाम। इन भाई से तो मिल लो, थोड़ा कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरे ये बोलना चाह रहे हैं कुछ, बैठे हैं तो वहाँ से। हाँ भाई, कोई दिक्कत? उन दिक्कत नहीं, वो कह रहे थोड़ा खाने पीने का सामान लेके आओ। खाने पीने का ये मंदिर तो अपने यहाँ है यार। अरे जम भाई, ये बहुत सारे हैं। आओ ये तो बहुत है। फिर भी देख क्या कर रहे हो, इनके फोड़े कैसे उधर रखे हैं मुंह? बैठा हुआ है। हेलो हेलो, यहाँ देखा? हेलो, जय राम, जय श्री राम। तो गाइस देखो, तो मैं एक अच्छा सा प्यारा सा वल्चर दिखाता हूँ यहीं पे, जिसके सामने हम खड़े हैं। ये देखो, एक तो नया नया जब हाँ करते हैं ना ये सब चीज़ शुरुआत, बोलने में एक तो प्रॉब्लम होती है। कोई दिक्कत नहीं है, वो देखो पंख कैसे फैला रहे हैं। बोल पाते हैं वैसे, बोल नहीं पाते। पंख देखो कैसे फैला रहे हो। टाइगर दिख रहे हैं तुम्हें? वो दो टाइगर, मतलब प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दे रखी है कि कोई उस तरफ ना चला जाए, लेकिन यार थोड़ा अच्छे से दिखने और मिल जाते तो और अच्छा होता। ये बहुत दूर है, देखने जूम करने के बाद आने दो। बोलियो भाई ने नहीं, इसे नहीं भाई। अरे बुला तो, थोड़ा इंटरव्यू लेंगे। सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा। ना भालू दिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक।
देखो ये भालू अभी जब सामने से आएगा इसका चेहरा देखो, मतलब ऐसे देखने में बहुत प्यारे से लगता है। हाँ कुछ कुछ बोल ले सकते हैं, एक बार अगर इनके सामने इंसान गए ना तो समझ लो गए। मैं एक अलग टाइगर दिखाता हूँ आज, ठीक है? चलो एक सेकंड रुक दिखाता हूँ। ये देखो ये रहे तुम यार, मतलब कैमरे में ये इतने छोटे लग रहे हैं पर हम अपनी आंखों से जब देख रहे हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। रुका हुआ है और ये वापस मुड़ा और अब ये जा रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए पता नहीं अपनी चोंच हिला रही है, ये होता क्या है इनके चोंच के नीचे, इन्हें कहते क्या है जिनकी हेल्प से ये इनके गले से जुड़ा हुआ होता है ये, है ना? हाँ ये मतलब यहाँ स्टोर करके रखते हैं ज़्यादातर। हाँ स्टोर करके रखती है यहाँ पर, किसी किसी के छोटे हैं किसी किसी के हैं। और तुम्हें तो गाइस देख सकते हैं अभी हम आए हैं इधर की साइड, इधर दिखा मैं जिराफ, अब वो रहा अपना जिराफ वो घूम रहा है वहाँ आपको देख रहा हो सर, जूम करने पर एक अंकल उनको खाना दे रहा है। तो गाइस आज हमें ना किंग का पता चल गया तो तुम्हें हम जाके किंग दिखाएंगे, ठीक है? किंग मतलब शेर, तो जंगल का किंग, जंगल का किंग तो वो दिख गया तो मैं वो दिखाते हैं। हमने एक भैया से पूछा, उनके पास सारी जानकारी थी, हमने कहा एक बार हमें कैमरे में बता दो ताकि हम सुन सकें। चले नहीं भैया हम कैमरे में नहीं ना बता पाएंगे, मतलब इनके यूपी वालों की लैंग्वेज भी अच्छी होती है काफ़ी, बड़ी प्यारी। मतलब पूरा पार्क तुम्हें देखना है तो देख लो, पैर में दर्द हो रहा है, कल गिर गया था इसके कारण चलने में काफ़ी प्रॉब्लम है। वीडियो में मज़ा नहीं आने वाला इनको, जब यहाँ आके तुम खुद विजिट करोगे तब तुम्हें मज़ा आएगा। हाँ वीडियो में तो तुम देख लोगे क्योंकि ऐसे तो कई मतलब अच्छे से फिर तो तुम ऑनलाइन ही देख सकते हो, लेकिन जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या है। एक चीज़ दिखाता, ये देखो किस मोर का पंख है, मोर का नहीं है, मोर का नहीं है, मोरनी का है। चलो तुम्हें दिखाते हैं, आपको किंग दिखाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा नज़ारा, इसको अंदर कैसे लाए होंगे ये लोग, दरवाजे से पूरा दिखा दें। दरवाजे से क्यों लाए होंगे? दरवाजे से लाए होंगे, सीधा लैंड करा। तो भाई तुम्हें सबसे पहले ना मैं एक टाइगर दिखाता हूँ, वाइट टाइगर जो कि लेटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? एक मिनट रुको, तो मैं देखो ये लेटा हुआ है, पता नहीं शायद सो रहा है आराम कर रहा है जो भी है सर। यहाँ ये देखो ये रहा, लोगों ने एक बड़ा ही शांत जीव दिखाता हूँ, ठीक है? इसे देखना अच्छे से क्या कर रहा है और इसका नाम क्या है तुम लोग बताओ, ठीक है? रहे हो कैसे लेटा हुआ, ये इसी तरीके से अपने शिकार को देखते हैं और उन पर हमला करते हैं। तो जूम हो जाए, हाँ हो गया फोकस। हाँ ये लोग मतलब इनकी इसकी लंबी चोंच है, क्योंकि इस तरीके क्रोकोडाइल हमने देखे नहीं है, चोंच लंबी है इनकी, मोजा बड़ा जो होता है इनमें, बाकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है देखने में, ये जितने लगते हैं ना उससे कई ज़्यादा इनमें ताकत होती है। इनकी आंखें देख रहे हो, जब से हम यहाँ खड़े हैं एक भी पार इसने अपनी पलकें नहीं झपकाई हैं, देखो, ठीक है? कैमरा हिल रहा है, ये ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा घूम लिए, पैर में दर्द बढ़ने के कारण घर जा रहे हैं, घर पे जाके आराम करेंगे थोड़ी देर होटल में, उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए, दिल्ली के लिए वापस ट्रेन है जो कि हमारी लेट हो गई है, पहले ही 3-4 घंटे 10 बजे की ट्रेन है, 6 बजे की थी बाकी 3-4 घंटे लेट होने के कारण 10 बजे की हो गई है। तो यार अब चलते हैं घर और मिलते हैं तुमसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।